उत्तराखंड के हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में बीती 5 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला दिया था। अब 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर पीड़ित लोग नज़र टिकाए हुए हैं। वहीं आज सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में रेलवे पीड़ितों का मामला देखकर वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाविल्स हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे द्वारा बताई जा रही जमीन कनेक्शन किया है। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिवक्ता से रेलवे भूमि का ग्राउंड जीरो पर उतर कर निरीक्षण करने का आग्रह किया। इसके बाद अधिवक्ता ने मतीन सिद्दीकी के साथ रेलवे द्वारा बताई जा रही भूमि का निरीक्षण किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मतलब अगर एक्सपैंड करना है रेलवेज को, एक और प्लेटफॉर्म बनाना है, एक रेलवे ट्रैक करना है, जो भी हो, जमीन है या नहीं। और अब हमने देखने को मिला, स्पष्टता मिला हमारा केस का। और ये भी देखने का था कि जो बेदखली होने वाला है, ये कितना बड़ा एरियर है। और आज देखने को मिला, आश्चर्य हो गया, मैप से मालूम नहीं हुआ कि कितने सारे लोगों की घर तोड़ने वाला है। बहुत बड़ा एरिया है।